खबर चंपावत से। चंपावत के पाटी ब्लॉक में देवी धुरा धाम में की गई मैराथन दौड़ नेहरू युवा केंद्र द्वारा देवी धुरा धाम में दीप प्रज्वलित करने के बाद मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। इस दौड़ में 125 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें, छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। ये प्रतियोगिता ओपन वर्क की थी, छोटे बच्चों में काफी उत्साह था। इस मैराथन दौड़ में विजेता छात्रा नीतू ने प्रथम स्थान और भावना लगड़िया ने दूसरा और कुमारी रिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ब्लॉक प्रमुख सुमनलता, वीडियो अमित ममगाई द्वारा तथा प्रधान राजू विष्ट ने विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। पचौली सहायक अध्यापक राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय विसारी, आज नेहरू युवा केंद्र की ओर से यहां पर एक दौड़ का आयोजन किया गया है महावाराई के प्रांगण में, और बहुत अच्छी यूनिटी फॉर रन का ये आयोजन था, जिसमें देवधुरा क्षेत्र के बहुत सारे प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। यद्यपि यह ओपन वर्ग की प्रतियोगिता थी, लेकिन छोटे बच्चों में बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है, और महिला तथा पुरुष वर्ग की यह प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हुई है। बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह प्रतियोगिता संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में हमें बहन सुमनलता जी का यहाँ पर मार्गदर्शन मिला, जो इस ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख हैं। सम्मानित खंड विकास अधिकारी महोदय यहाँ पर रहे, और बच्चों ने उनके मार्गदर्शन में बहुत ही सुंदर यहाँ पर अपनी जो है दौड़ पूरी की है, जिसके परिणाम हमारे सामने परिलक्षित हुए। बालक वर्ग की ओपन वर्ग में और योगेश मेहरा कनवाड़ वालों ने प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए हैं, और बालिका वर्ग में कुमारी नीतू किशोर सिंह और कुमारी नीतू दूसरी यहां पर कनवाड़ से है, तथा भावना लंगड़िया, ये तीनों ही बच्चियां बहुत ज़ोरदार दौड़ी है। मैं इनको जो है राज्य स्तर के लिए आगे आने वाले समय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक निर्णय के रूप में मैंने यहां पर देखा कि बच्चियों में बालकों से ज़्यादा उत्साह है, और मुझे खुशी है कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ आगे को बढ़ रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बारही के प्रांगण में आज ये मैराथन दौड़ हुई, जिसमें मैंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हमें बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये मैराथन दौड़ हुई, क्योंकि ऐसे मौके हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। और रवीश पचौली जी, जो कि पार्टी के सहायक अध्यापक हैं, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे इसमें विजेता हैं, उन्हें राज्य स्तरीय पर भी जाने का मौका मिलेगा। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।